आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तुम में दो भारी भरकम और बड़ी अजीम शान चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, इनको मजबूती से पकड़ोगे कभी गुमराह न होगे। फिर आपने फरमाया, वलई अफ्तरका हत्ता यरदा अल हौज, ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से जुदा न होंगी यहाँ तक के दोनों हौज़े कोसर पे हाजिर हो जाएं। उनमें से एक अल्लाह की किताब जिसमें हिदायत है और नूर है, और दूसरी चीज़ मेरे अहले बैत, दूसरी चीज़ जिससे तुमने चिमटना है और जिसको तुमने मजबूती से पकड़ना है, जिनकी तुमने इक्तदा करनी है, जिनकी तुमने गुलामी करनी है, जिनकी तुमने इत्तबा करनी है, वो मेरे अहले बैत हैं। फिर आपने फरमाया दो दफ़ा, उदक्किरुकुमुल्लाह फी अहले बैती, मैं तुम्हें अल्लाह से डराता हूँ अपने अहले बैत के बारे में, मैं तुम्हें अल्लाह से डराता हूँ अहले बैत के बारे में। हमारे नबी को ऐसे लग रहा है कि जैसे पहले से ये खदशा हो गया था कि मेरे बाद मेरे अहले बैत के साथ मेरी उम्मत ज़्यादतियाँ करेगी। चुनाचे आप जाते जाते योम अरफा में भी और गदीर खुम के मौके पर भी आप ये बात दो दफ़ा दोहरा रहे हैं, मेरे अहले बैत के बारे में मैं तुम्हें अल्लाह से डराता हूँ, मेरे अहले बैत के बारे में मैं तुम्हें अल्लाह से डराता हूँ। अहले बैत को मजबूती से पकड़ना है, किताबुल्लाह को मजबूती से पकड़ना है। अहले बैत को मजबूती से पकड़ने का क्या मतलब? अहले बैत को मजबूती से पकड़ने का क्या मतलब? अहले बैत को मजबूती से पकड़ने का मतलब भी वही है जो किताबुल्लाह को मजबूती से पकड़ने का मतलब है, कि अहले बैत की इक्तदा करनी है, अहले बैत की इत्तबा करनी है, अहले बैत की तरह हक के रास्ते पर साबित कदम रहना है। किसी बड़े से बड़े लालच में आके, किसी बड़े से बड़े खतरे से डर कर हक रास्ते को नहीं छोड़ना, ये मतलब है अहले बैत को मजबूती से पकड़ने का। अगर हम अहले बैत की जिंदगियों में गौर करते हैं, तो अहले बैत की टोटल जिंदगी दुखों से, तकलीफों से, परेशानियों से, आजमाइशों से भरी पड़ी है। अहले बैत से मुराद कौन है? अहले बैत से मुराद उमूमन आपकी अज़वाज मुतहरात हैं, आपकी बीवियां हैं, उम्महातुल मोमिनीन हैं, और अहले बैत से मुराद खुसूसन हज़रत अली, हज़रत फातिमा और आपके साहिबजादगान और आपकी औलाद है। हदीस शरीफ में आता है, जब कुरान पाक की आयत उतरी, युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अनकुम रिज्स अहलिल बैत वयुतहिरकुम तत्हीरा, ए अहले बैत, अल्लाह पाक तुम्हें गंदगी से पाक करना चाहता है, तुम्हें साफ सुथरा रखना चाहता है। जब ये आयत नाजिल हुई तो हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, ये आयत मेरे घर में नाजिल हुई जब हज़रत उम्मे सलमा के घर में अल्लाह के नबी मौजूद थे। जब ये आयत नाजिल हुई, हज़रत उम्मे सलमा कहती हैं, थोड़ी देर में मेरे घर में हज़रत अली दाखिल हुए, आपने उनको अपनी चादर में डाल लिया। हज़रत फातिमा आईं, आपने उनको भी अपनी चादर में डाल लिया। इमाम हसन आए, उनको भी चादर में डाल लिया। इमाम हुसैन आए, उनको भी चादर में डाल लिया। जब ये चारों चादर में आ गए, पांचवें हमारे नबी हो गए। ये जो पंजतन कहते हैं ना, पंजतन, तो यहाँ से कहते हैं पंजतन, यानी पांच जिस्म से मुराद एक हमारे आका का जिस्म अथर, एक हज़रत अली का जिस्म मुबारक, एक अम्मा फातिमा का जिस्म मुबारक, एक हज़रत इमाम हसन, एक हज़रत इमाम हुसैन का जिस्म मुबारक। ये पांच जिस्म हो गए। आपने इन सबको अपनी काली कमली में लिया, आपने उस काली चादर बालों की बनी हुई उसको ओढ़ रखा था, आपने इन चारों को चादर में लिया, अभी ये पांच हो गए। आपने फरमाया, अल्लाहुम्मा हाउला अहलु बैती व खासती फअज़हिब अन्हुम रिज़्ज़ा वतहिरहुम तत्हीरा, एला आप जिन अहले बैत को पाक करना चाह रहे हैं, ये हैं मेरे अहले बैत, इन्हें पाक फरमा। एला ये मेरे अहले बैत हैं, ये मेरे खास लोग हैं,
اللهم هؤلاء اهل بيتي وخاصتي اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں یہ میرے خاص لوگ ہیں اے اللہ ان کو ہر گندگی سے پاک رکھ کسی گندگی کو ان کے قریب نہ آنے دے۔ تو اہل بیت سے مراد ازواج مطہرات بھی ہیں لیکن خصوصاً اہل بیت سے مراد حضرت علی ہیں، حضرت فاطمہ ہیں، امام حسن ہیں، امام حسین ہیں۔ ان سب کو مضبوطی سے پکڑنا، ان کے نقش قدم پہ چلنا، اہل بیت کی زندگی میں جو سب سے نمایاں چیز ہے وہ دنیا سے بے رغبتی ہے اور حق پر ثابت قدمی ہے۔ دنیا سے بے رغبتی اور حق پہ ثابت قدمی، دنیا سے بے رغبتی کا عالم یہ ہے، عالم یہ ہے، عالم یہ ہے کہ آپ علیہ السلام حضرت ایک اپنے ایک صحابی کے ساتھ حضرت فاطمہ کی بیماری کا سن کر ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ علیہ السلام جب وہاں تشریف لے گئے، دروازہ کھٹکھٹایا اور آپ نے فرمایا فاطمہ پردہ کر لو، میرے ساتھ عمران بن حسین آ رہے ہیں۔ تو اندر سے حضرت فاطمہ نے آواز دی، جواب دیا، ابو میرے پاس اتنی چادر نہیں ہے کہ میں اپنے چہرے کو چھپا سکوں، لہٰذا آپ کسی غیر محرم کو اندر نہ لائیں، اس لیے کہ میرے پاس پردے کے لیے چادر ہی نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے کندھے سے چادر کو اتار کر اپنی بیٹی فاطمہ کو دیا، جس سے انہوں نے اپنے چہرے اور سر کو چھپایا، پھر کہیں جا کے عمران بن حسین کے اندر جانے کی گنجائش ہوئی۔ دنیا سے بے رغبتی کا عالم یہ ہے، آج اگر گھر میں شادی کے لیے نئے کپڑے بھی نہ ہوں، دور کے رشتہ داروں میں شادی میں شرکت کرنے کے لیے اگر خاوند نئے کپڑے نہ لے کر دے تو یہ بیویاں آسمان کو سر پہ اٹھا لیتی ہیں اور گھر میں ادھم مچا دیتی ہیں اور شور اور غل شروع ہو جاتا ہے اور سسرال تک ان کی شکایتیں چلی جاتی ہیں اور طلاق کے مطالبے شروع ہو جاتے ہیں۔ ادھر حضرت فاطمہ جو ساری دنیا کے سارے انسانوں میں جو جنتی ہیں ان کی سردارن ہے، ساری عورتوں کی سردارن ہے، سرکار دو عالم کی سب سے زیادہ پیاری اور محبوب بیٹی ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ چہرہ چھپانے کو کپڑا نہیں ہے۔ دنیا سے بے رغبتی کا عالم یہ ہے کہ کپڑے بھی پورے نہیں ہیں۔ کپڑا انسان کی ضرورت ہے نا، کپڑا تو انسان کی ضرورت ہے، اس کے بغیر تو گزری نہیں ہے۔ اور دوسری ضرورت کیا ہے؟ دوسری ضرورت کھانا ہے، کھانا ہے، دوسری ضرورت کھانا ہے۔ آپ کھانے کا حال دیکھیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب بیٹی کے گھر میں کھانے کا عالم یہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت فاطمہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں، کہا یا رسول اللہ میرے گھر میں کئی دن سے کھانے کو کچھ نہیں ہے، مجھے علی نے بھیجا ہے کہ حضرت کہ آپ کے ابو کے پاس کچھ کھانے کو ہو تو جا کے لے آؤ۔ آپ نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ تیرے باپ کے گھر میں ایک مہینے سے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ایک مہینے سے کچھ نہیں ہے۔ کوئی آپ کی نظر میں ہے کوئی ایسا مسکین، غریب، فقیر جس کے گھر میں ایک مہینے سے کچھ نہ ہو؟ دنیا سے بے رغبتی کا عالم یہ ہے کہ بیائی ہوئی بیٹی کئی دن کے فاقے کو برداشت کر کے باپ کے دروازے پہ روٹی مانگنے آ رہی ہے۔ کیا بیتے گی اس باپ کے دل پر جس کی بیٹی کئی دن کے فاقے کی شکایت لے کے باپ کے دروازے کو کھٹکھٹائے اور کہے کہ ابو آپ کے پاس کچھ روٹی ہو تو دے دیں، بچے بڑے پریشان ہیں، کئی دن سے ہم سارے گھر نے کچھ نہیں کھایا۔ اس باپ کے دل پہ کیا بیتے گی جو باپ کوئی پتھر دل نہیں ہے، کوئی سنگ دل نہیں ہے، جو رحمت للعالمین ہے، جو اپنے دشمنوں کے لیے بھی روتا ہے، اپنے دشمنوں کے لیے بھی اندر میں ایک احساس رکھتا ہے، ایک احساس رکھتا ہے، ایک نرمی اور مہربانی رکھتا ہے، جب اس نے اپنی بیٹی کے فاقے کا سنا ہوگا آپ کے دل پہ کیا بیتی ہوگی؟ یہ دنیا سے بے رغبتی کا عالم ہے۔ ادھر آپ تشریف فرمائیں، حضرت فاطمہ آئیں، ان کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی، وہ آپ کے سامنے پیش کی، کھولا تو روٹی تھی، آپ نے اس میں سے ایک لقمہ توڑا اور منہ میں ڈالا اور آپ نے فرمایا بیٹی کیا لائی ہو؟
कदी रोटी, आपने लुकमा तोड़ा और मुंह में डाला, फिर आपने फरमाया हाँ। तो हजते हजते फातिमा ने कहा या रसूलल्लाह आज कई दिन के बाद मेरे घर में रोटी पकी थी, जब मैं खाने के लिए बैठी तो मुझे आप याद आ गए, तो मैंने कहा पता नहीं अब्बू ने खाई कि नहीं खाई, तो इसलिए पहले मैं आपके पास लाई हूँ, पहले आप खाएं फिर हम भी खाएंगे। आपने एक लुकमा तोड़ा और मुँह में डाला और आपने फरमाया या बुनैयतु हाजा अव्वल तामिन अकलहु अबू की मुंदु सलासत अय्याम, मेरी बेटी ये पहला लुकमा है जो तेरे बाप के पेट में जा रहा है। गुमराही से बचना है तो अहले बैत की इत्तिबा करो, अहले बैत का दामन मजबूती से पकड़ो, अहले बैत की गुलामी में आओ। गुलामी में आने का मतलब उनके गीत गाना नहीं है, सिर्फ उनके गीत गाना नहीं है, गुलामी में आने का मतलब यह है कि वो क्या जिंदगी गुजार कर गए, वो क्या आपको दिखा कर गए, वो कौन सा किरदार पेश करके गए, वो कौन सा तर्ज़ो तरीका पेश करके गए। अगर आपका तर्ज़ो तरीका उनके तर्ज़ो तरीके से मिलता है तो आप अहले बैत के गुलाम कहलाएंगे, लेकिन अगर आपकी जिंदगी अहले बैत की जिंदगी से हटी हुई है, उन्होंने तो रोटी, उन्होंने तो जायज ख्वाहिशात से भी अपनी जिंदगी को बचाया और आप हराम ख्वाहिशात में पड़ गए, तो बताइए आप अहले बैत के चाहने वाले तो न हुए, आप अहले बैत के दामन से वापस्ता तो न हुए। इधर रोटी नहीं है उधर भंग पी जा रही हो, इधर रोटी नहीं है उधर चरस पी जा रही हो, इधर रोटी नहीं है उधर शराबें शादियों में बट रही हों, इधर रोटी नहीं है उधर पीजे खाए जा रहे हों, तो फिर अहले बैत की गुलामी के कदम भरने का हमें हक हासिल नहीं है, हम अहले बैत के नाम लेवा कहलाने के लायक नहीं है, इसलिए कि अहले बैत की शान कुछ और है। अहले बैत तो दुनिया से बेरग़बत थे, उनके दिल में दुनिया नहीं थी। आले सलाम हज़रत फातिमा के पास इबादत के लिए तशरीफ लाए तो चादर नहीं, अच्छा जब अंदर गए तो देखा कि चेहरा इतना कमजोर, इतना कमजोर कि सरकार दो आलम जिनका सब्र पहाड़ों से ज्यादा मजबूत, अपनी बेटी का ये हाल देख के आप बर्दाश्त न कर पाए, आपके सब्र का बंद टूट गया और आपकी आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए। बेटी को सीने से लगाया, जब सीने से लगाया तो आप तो रो रहे थे, आपकी बेटी भी रो पड़ी, बाप बेटी दोनों गले लगकर रो रहे हैं, वो क्या मंजर होगा जो सारी दुनिया में सबसे बड़ा ताकतवर इंसान, उसकी सबसे ज्यादा चहीती बेटी सीने से लगकर, बाप भी रो रहा है बेटी भी रो रही है, और आप यूं नहीं कह रहे अभी तेरे लिए आसमान से दस्तरखान उतरवाता हूं, अभी तेरे लिए खुदा से सेहत का फैसला करवाता हूं, अभी तेरे लिए जन्नत के रेशमी लिबास उतरवाता हूं, आप ये नहीं कह रहे, आप फरमा रहे या बुनैयतु ए मेरी बेटी अमा तरदैन अन तकूनी सय्यदत निसाए अहलिल जन्नत, मेरी बेटी फातिमा क्या तू इस बात पे राजी नहीं है कि अल्लाह तुझे जन्नत की सारी औरतों की सरदारन बना दे। अहले बैत को क्या तालीम दी जा रही है, अहले बैत को यह नहीं सिखाया जा रहा कि यहीं के लिबास और यहीं के घर और यहीं की रोटी और यहीं के मज़े और यहीं की अय्याशी और यहीं की लज्जतें और यहीं की ख्वाहिशात, ये नहीं सिखाया जा रहा, बल्कि अहले बैत को सिखाया जा रहा है, अहले बैत को सिखाया जा रहा है यहाँ कुछ नहीं है, बर्दाश्त कर लो आगे मज़े करेंगे। इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन, दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, इनको छोड़ना नहीं मजबूती से पकड़ना, एक अल्लाह की किताब है और एक मेरे अहले बैत हैं, इनको मजबूती से पकड़ना यानी इनके नक्शे कदम पे चलना। इन्होंने दुनिया से दिल न लगाया, तुम भी न लगाना, इन्होंने हमेशा आखरत को तरजीह दी, तुम भी हमेशा आखरत को तरजीह देना, इन्होंने कभी अल्लाह की नाफरमानी की तरफ कदम न बढ़ाया, तुम भी कभी अल्लाह की नाफरमानी की तरफ कदम न बढ़ाना। ये अहले बैत की शान है कि उन्होंने गंदी दुनिया से कभी दिल लगाया ही नहीं। हजरत अली रजी अल्लाह अनु, हजरत ज़रार इब्ने ज़मरा कनानी रजी अल्लाह अनु, हजरत मुआविया के दरबार में बैठे हुए, हजरत मुआविया के दरबार में बैठे हुए, हजरत मुआविया कहने लगे ज़रार
कुछ सुनाओ अली कैसे थे। ये हज़रत अली के शहीद हो जाने की के बात का वाक़या है, बात का वाक़या है। ज़रार इब्ने ज़मरा कनानी कहने लगे, मुआविया आप क्या पूछते हैं मुझसे अली के बारे में, वो क्या थे, मेरी ज़बान इसकी ताकत नहीं रखती कि मैं उनकी सिफात को बयान करूं। फिर फरमाने लगे, एक दफ़ा मैंने उनको रात के अंधेरे में देखा कि उन्होंने अपनी दाढ़ी को अपनी मुट्ठी में पकड़ा हुआ था और यबकी बुका अल हज़ीन यतमलमल सलीम व यबकी बुका अल हज़ीन, ऐसे रो रहे थे जैसे गमों का मारा हुआ रोता है, ऐसे तड़प रहे थे जैसे किसी बिच्छू ने इनको डंग मार दिया हो जिसके दर्द से वो तड़प रहे हों, और कह रहे थे आह आह मिन किल्लत ज़ात व बुद सफ़र व वहशत तरीक, हाय आखरत करीब आ रही है, जिंदगी खत्म हो रही है, अरे मैंने तो कब्र के लिए कोई तैयारी ही नहीं की। और फिर फरमा रहे, दुनिया से इलैय तगर्रती इलैय तज़यनती इलैय तशव्वुफती, क्या तू मुझे धोखा देना चाहती है। दुनिया से कह रहे हैं, ए दुनिया या सफरा व या बैदा, ए सोना ए चांदी, इलैय तगर्रती इलैय तज़यनती, क्या तू सज धज के मुझे धोखा देना चाहता है। ए सोने ए चांदी ए दिरहम ए दीनार ए दुनिया की ज़ेबो ज़ीनत, क्या तुम मुझे धोखा देना चाहते हो, मेरा मन मोहना चाहते हो, मेरे दिल को माइल करना चाहते हो। गुर्री गैरी कद बतत्तु की सलासन ला सबील अली इलैक, चली जा यहाँ से, मैंने तुझे तीन तलाकें दे रखी हैं और तू मेरे करीब आ नहीं सकती, मैंने तुझे इतना दूर कर दिया है। ये अहले बैत की शान है। गुर्री गैरी, किसी और को जाके पट्टियां पढ़ा, किसी और को जाके धोखा दे, किसी और को जाके अपनी तरफ माइल करने की कोशिश कर, अली तेरे चक्करों में आने वाला नहीं है, अली तेरे धोखे में आने वाला नहीं है। अली ने दुनिया को तीन तलाकें दे रखी हैं, जब तीन तलाकें हो जाए ना तो फिर बीवी की तरफ रुजू नहीं हो सकता। अहले बैत को मजबूती से पकड़ना, गुमराही से बच जाओगे। क्या मतलब अहले बैत को मजबूती से पकड़ना, क्या मतलब इनके नाम लिख के घर में फ्रेम करके लगा दो, इनके नक्शे कदम पे चलना। इन्होंने दुनिया से दिल नहीं लगाया, तुम भी ना लगाना। इन्होंने हमेशा आखरत के लिए मेहनत की, तुम भी आखरत के लिए मेहनत करना। इन्होंने हमेशा अल्लाह को राजी किया, तुम भी अल्लाह को राजी करना। इन्होंने कभी अपना कदम अल्लाह पाक की नाफरमानी की तरफ नहीं उठाया, तुम भी ना उठाना। और अहले बैत की दूसरी निमाया सिफत वो हक रास्ते पे जम जाना और डट जाना है। ये अहले बैत की शान है, उन्होंने कभी हक रास्ते को नहीं छोड़ा। अहले बैत ने हक रास्ते को कभी नहीं छोड़ा, डटे तो ऐसे डटे कि नस्ल ही कटवा दी, हक रास्ते को नहीं छोड़ा। उफ, इंसान तो नहीं कर सकता ये, फरिश्ता शायद कर ले, चूंकि उसके दिल में एहसास नहीं होता, उसके दिल में एहसास नहीं। फरिश्ता तो इंसान नहीं है ना, इंसान नहीं कर सकता। अपनी नस्ल को कौन बाप है जो अपने बच्चों की गर्दनें कटते हुए आंखों से देख पाए, कौन बाप है, कौन बाप है, कौन बाप है जो अपने सारे खानदान ही को आंखों से कटता हुआ देख पाए। जब नौजवान औलाद मरती है तो बाप तो पागल हो जाता है। एक बच्चे के सही सालिम अपनी मौत मर जाने पर जवान बाप जवानी में बूढ़े हो जाते हैं, मरने से पहले, मरने से पहले जीते जी ही मर जाते हैं, जीते जी ही मर जाते हैं। अपनी सारी नस्ल को कटते देखकर हक रास्ते से न डगमगाना, हक रास्ते से न हटना, बेशक ये अहले बैत की शान है। हज़रत इमाम हुसैन को अपने भाई से बड़ी मोहब्बत थी, इमाम हसन से भाइयों की मोहब्बत तो ज़र्बुल मसल है, आजकल के भाइयों की नहीं। कहते हैं ये बिल्कुल मेरे भाइयों की तरह से है, कहते हैं ना ये बिल्कुल मेरे भाइयों, क्या मतलब हमारी बहुत मोहब्बत है। लेकिन आजकल ये मिसाल देते हुए तो मुझे तो शर्म आती है, भाइयों की तरह से, भाइयों में तो मोहब्बत ही नहीं है तो भाइयों की तरह से कैसे कहें। भाई भाई की शक्ल देखना ही पसंद नहीं कर रहे, बड़ी मोहब्बत थी आपस में।
चूंकि वो बड़े दर्दनाक तरीके से शहीद हुए, हजरत इमाम हसन शहीद हुए, उनको जहर दिया गया था, शहीद हो गए, उसमें जहर दिया गया था, उनको शहीद हो गए। तो उनकी निशानी थी हजरत कासिम, हजरत कासिम उनकी निशानी थी, वो भी करबला में मौजूद थे। सबसे आखिर में मैदान में निकलने वाले वही थे। इमाम हुसैन के साथी पहले शहीद हुए, फिर और ख़ानदान के लोग, फिर इमाम हुसैन ने अपने बच्चे भेज दिए। जब देखा कि अब बस पेश करने के लिए भतीजे के सवा कुछ नहीं है, तो भतीजे को भी भेज दिया, हज़रत कासिम बिन हसन। और पूरे मैदान करबला में सबसे ज़्यादा खूबसूरत तरीन नौजवान हज़रत कासिम थे। जब ये मैदान में आए तो रावी कहता है ऐसे जैसे चांद आसमान से ज़मीन पे आ गया हो। जूं ही मैदान में उतरे तो चूंकि नस्ल तो बहुत ऊंची थी ना, तो किसी का दिल नहीं कर रहा था कि हमला करे, तो जिधर को दौड़ते थे लोग भागना शुरू हो जाते थे। आखिर एक बदबख्त ने आगे बढ़कर जोर से उन पे तलवार का वार किया तो उलट के ज़मीन पे गिरे, बाजू कट गया, उलट के ज़मीन पे गिरे और खून खून हो गए। तो ज़ोर से चीखे, या अम्मा, हाय मेरे चचा। इमाम हुसैन को पुकारा, इमाम हुसैन भागे भागे आए और फरमाने लगे, हाय मेरे भतीजे, आज तेरा चचा बड़ा आजिज है, आज तेरा चचा बड़ा मजबूर और बेबस है। कल नासिरहु व कसर वातिरहु, आज तेरे चचा के दुश्मन बहुत ज़्यादा हो गए हैं, दोस्त बहुत थोड़े रह गए हैं, इसलिए आज तेरा चचा तुझे काम नहीं आ सकता। ये कहकर अपने भतीजे की लाश के ऊपर गिर गए। लेकिन मजाल है, मजाल है कि हक रास्ते से डगमगाएं, मजाल है कि हक रास्ते को छोड़ें, मजाल है कि यजीद के हाथ में हाथ दें, मजाद है कि शिमर और अमर इब्ने साद के सामने झुक जाएं। उनकी लाश को कंधे पे उठाया और आके खेमे के पास लिटा दिया। दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक किताबुल्लाह, एक अहले बैत। इनको छोड़ना नहीं, इनको मजबूती से पकड़ना। लन तज़िल्लू मा इन तमस्सकतुम बिहमा, जब तक इनको मजबूती से पकड़े रहोगे गुमराह नहीं होगे। इनको मजबूती से पकड़ना है, इनको याद करके वावेला नहीं करना है, इनके नक्शे कदम पे चलना है, इनके नक्शे कदम पे चलना है। वो तो खानदान कटवा के भी न डगमगाए, हम चंद रुपयों पे डगमगा जाते हैं, गैर महरम पास से गुजरे तो डगमगा जाते हैं, कोई बेपर्द औरत पास से गुजरे तो हम डगमगा जाते हैं। और हुसैनी भी कहते हैं, अपने आप को हुसैनी भी कहते हैं। ये अहले बैत की दो निमायां सिफात हैं कि उनमें दुनिया की मोहब्बत जर्रा बराबर नहीं थी, वो आखरत के आशिक थे, आखरत को चाहते थे, आखरत के लिए जिद्दोजहद करते थे, आखरत में सरबुलंद होना चाहते थे। और हक रास्ते को छोड़ने के लिए किसी कीमत में वो आमादा नहीं होते थे। अगर इमाम हुसैन इब्ने ज़ियाद के हाथ में हाथ दे देते और उसके साथ मिलकर यजीद के दरबार में चले जाते तो न कासिम शहीद होते, न अली अकबर शहीद होते, न अबू बकर शहीद होते, न उमर शहीद होते, न उस्मान शहीद होते, ये सारे अहले बैत हैं, न हजरत हुसैन की नस्ल क़ुरबान होती, न हजरत हसन की नस्ल क़ुरबान होती, न हजरत अकील की नस्ल क़ुरबान होती, न हजरत जाफ़र की नस्ल क़ुरबान होती, न उनके साथी क़ुरबान होते, सारे ही बच जाते। कब से हमारे उलमा कह रहे हैं कि भाई ये सूद अल्लाह से जंग है, ये सूद अल्लाह से जंग है, लेकिन सेविंग अकाउंट नहीं छोड़ रहे, सेविंग अकाउंट नहीं छोड़ रहे।
भाई पाकिस्तान की मईशत तबाह हो गई, पाकिस्तान की मईशत बर्बाद हो गई, डॉलर 240 पे चला गया और रुपया इतना नीचे आ गया, बांग्लादेश इतना कमज़ोर सा मुल्क, उसका रुपया भी आपके रुपये से आगे निकल गया, अफ़गानिस्तान परसों आज़ाद हुआ है, कल आज़ाद हुआ है और उसका रुपया आपके रुपये से आगे निकल गया, आपकी मईशत की धज्जियाँ बिखर गईं, इसलिए कि आप अल्लाह पाक से जंग किए हुए हैं। तो आप इससे तौबा कर लें, अल्लाह से जंग छोड़ दें, अल्लाह से सुलह कर लें। अल्लाह से जंग नहीं की जाती, सुलह की जाती, अपने से ताकतवर से लड़ा नहीं जाता, अपने से ताकतवर से के सामने तवाज़ो इख्तियार की जाती है, सिंधी में कहते हैं निवड़त, उसके सामने तो झुका जाता है, उसे जंग थोड़ी की जाती है, अल्लाह से जंग करेंगे। लेकिन हम सेविंग अकाउंट छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं, हम अपने पैसे हबीब बैंक से, यूनाइटेड बैंक से और यूबीएल बैंक से निकालने के लिए तैयार नहीं हैं, और कहते हैं हम तो हुसैनी हैं। इसलिए आज इस बात को हम समझ के जाएं, मैं भी समझ के जाऊं, आप भी समझ के जाएं, इस बात को ज़हन नशीन करके जाएं, हर मुसलमान को समझाएं कि अहले बैत से मोहब्बत है क्या, अहले बैत से मोहब्बत के क्या तकाज़े हैं। उस सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा कि अहले बैत को मजबूती से पकड़ना, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब वो नहीं है जो समझ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप उनके नक्शे कदम पर चलें, जिस तरह उन्होंने दुनिया से अपने आप को बचाया ऐसे आप भी बचाएं, जैसे उनका दामन दुनिया से बेदाग रहा आप भी अपने दामन को दुनिया से बेदाग रखें, और जैसे उन्होंने आखरत के लिए मेहनत और जिद्दोजहद और कोशिश की आप भी करें, और जैसे वो हर हाल में हर कीमत में बड़ी से बड़ी कुर्बानियां देके हक रास्ते पे डटे रहे आप भी डटे रहें। अगर आपकी जिंदगियों में हराम है तो आप शिमर के रास्ते पर हैं, आप इबन ज़ियाद के रास्ते पर हैं, जिन्होंने अपनी कुर्सी बचाने के लिए इमाम हुसैन की गर्दन काट दी, आले रसूल के बच्चों की गर्दनें काट दी, सिर्फ कुर्सी बचाने के चक्कर में। क्या होता अगर ये इमाम हुसैन से न लड़ते तो क्या होता? ज्यादा से ज्यादा ये होता कि इब्ने ज़ियाद उनको डिसमिस कर देता, सस्पेंड कर देता, यजीद उनको डिसमिस कर देता, सस्पेंड कर देता, माजूल कर देता, और क्या होता? बच्चों की रोटी की खातिर अहले बैत पे तलवारें चलाईं। अगर आज का मुसलमान बच्चों की रोटी की खातिर हुजूर की सुन्नतों पे छुरियां चला रहा है तो इसमें और उसमें फर्क नहीं है। उन्होंने रसूलुल्लाह की औलाद पे तलवार चलाई, इन्होंने रसूलुल्लाह के दीन पे तलवार चलाई, और रसूलुल्लाह को अपनी औलाद से ज्यादा दीन प्यारा था, दीन ज्यादा प्यारा था, हमारे नबी को दीन ज्यादा प्यारा था, औलाद से ज्यादा प्यारा था दीन। ये सब कुछ दीनी के लिए तो हुआ, तो मैं भी आप भी इसकी नियत करें, किताबुल्लाह और अहले बैत इत्रत रसूल को मजबूती से पकड़ना है। पकड़ेंगे इंशाल्लाह, पकड़ेंगे इंशाल्लाह, इनके नक्शे कदम पे चलने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, दुनिया से दिल तो नहीं लगाएंगे, दुनिया से दिल ना लगाओ यार, गुजारा करो, अपनी बीवियां अपने बच्चों अपने मर्दों अपने औरतों सबको समझाओ, गुजारा करो। बच्चों का और औरतों का हमने जहन बनाया ही नहीं, इसलिए दुनिया की दौड़ लगी हुई है। अपनी बच्चियों को बताएं कि हुजूर की बेटी पे फाका आता था, बेटी तुझ पे फाका तो नहीं है ना, शादी के लिए नए जोड़े नहीं है तो क्या हुआ, फाका तो नहीं है ना, तू हज़रत फातिमा से ज़्यादा कीमती तो नहीं है। अपने बच्चों से कहें तुम हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन से ज़्यादा कीमती तो नहीं हो ना, बस गुजारा करो, जन्नत में मज़े करेंगे। और अपने घरों में ये माहौल बनाएं, उसके लिए फ़ज़ाइल अमाल की किताब ख़रीदें,
रोज़ाना उसकी घर में तालीम करें, इससे घर का ज़हन बनेगा और घर घर के लोग दीन पर चलने में आपके मुआविन बनेंगे। वरना आप बयान सुन के कहेंगे दीन पे चलना है, बीवियां घसीट के आपको बेदीनी में ले जाएंगी, बच्चे आपको घसीट के बेदीनी में ले जाएंगे। इसलिए अपने घरों में जहन बनाएं और उनको दीन पे लाने की कोशिश करें। उसका आसान तरीका ये है, फजाइल अमाल की तालीम शुरू कर लें। कौन कौन कोशिश करेंगे इंशाल्लाह? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि रमज़ानुल मुबारक के महीने के बाद सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला को जिस महीने में रोज़े रखना पसंद है वो मुहर्रम है। मुहर्रम का महीना, मुहर्रम किसे कहते हैं? मुहर्रम कहते हैं वो महीना जो काबिले एहतराम है। मुहर्रम काबिले एहतराम महीना है, इसमें सबसे ज़्यादा रोज़े रखने चाहिए। कम अज़ कम आशूरे का रोज़ा, उसके साथ एक और रोज़ा तो मिलाना ही चाहिए। दसवीं, दस मुहर्रम के साथ नवीं का मिला लें या ग्यारहवीं मुहर्रम का मिला लें, ये दो तो ज़रूर ही रखें। उसके अलावा भी कोशिश करें इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा रोज़े रखें। कौन कौन रोज़े रखेंगे इस महीने में? अपने घर वालों को भी बताएं, अपनी औरतों को भी बताएं, मुहर्रम में ज़्यादा से ज़्यादा रोज़े रखे जाएँ। वरना कम अज़ कम नौ मुहर्रम और दस मुहर्रम या दस मुहर्रम और ग्यारह मुहर्रम ये रोज़े तो रखे ही जाएं। और हमारे बुज़ुर्गों का मामूल है, हमारे बुज़ुर्गों का मामूल है, शायद कोई इससे इख्तलाफ़ करे, हो सकता है किसी को इख्तलाफ हो सकता है इससे, लेकिन हमारे बुज़ुर्गों का मामूल रहा है। बुज़ुर्गों से मुराद हज़रत कुतुबुल अक्ताब, शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह, इन हज़रात का मामूल रहा है कि वो मुहर्रम के इब्तदाई अय्याम में इमाम हुसैन और उनके साथियों के लिए बहुत ईसाले सवाब करते थे। कुरान पढ़ के ईसाले सवाब करें, नफिल पढ़ के ईसाले सवाब करें, सदका करके ईसाले सवाब करें। हज़रत शिबली रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या मैंने पढ़ा आज से कोई 20 साल पहले एक रिसाले में। हज़रत शिबली रहमतुल्लाह अलैह की आदत थी कि वो रमज़ानुल मुबारक में 10 नफलें, इसमें मुहर्रमुल हराम के 10 दिन, शुरू के 10 दिन में रोज़ाना 10 नफलें पढ़कर इमाम हुसैन को बख्शते थे। 10 नफलें पढ़ के इमाम हुसैन को बख्शते थे। एक दफ़ा उन्होंने ख्वाब देखा, इमाम हुसैन की ज़्यारत हुई। जो ही ये सामने गए तो इमाम हुसैन ने अपना चेहरे अनवर इनसे फेर लिया। तो ये परेशान हो गए, कहा हज़रत आप मुझसे क्यों नाराज़ हैं, आप अपना चेहरा मोड़ रहे हैं? तो फरमाया शिबली तुझसे नाराज़ नहीं हूँ, लेकिन तू जो मुझे नफलें पढ़ पढ़ के बख्शता है ना, ये तेरा मुझ पर इतना एहसान है कि जब तक क्यामत के दिन इसका बदला अपने नाना से न दिलवाऊँ, तेरी आंखों में आंखें नहीं मिला सकता। 10 मुहर्रमुल हराम, मदीना मुनव्वरा में असर की नमाज के बाद का टाइम था। हज़रत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस ज़िक्र थी, उसमें लोग आते थे असर के बाद। तो मजलिस में लोग आए तो जो हज़रत के करीबी लोग थे उनसे पूछा, भाई आप में से आज किस किस ने इमाम हुसैन उनके साथियों को कितना ईसाले सवाब किया है? तो लोग खामोश, तो फरमाने लगे नकल कुफ्र कुफ्र नबाशत, मैं उनके अल्फाज नकल कर रहा हूँ। फरमाने लगे बड़े बेगैरत हो सारे के सारे, तो इसलिए हम भी इसकी कोशिश करें, करेंगे इंशाल्लाह। खूब नफलें पढ़ पढ़ के ईसाले सवाब करें, कुरान पढ़ पढ़ के ईसाले सवाब करें। ज़रूरी नहीं है कि जिस महीने में शहादत हुई हो उसी महीने में किया जाए, लेकिन चूंकि किसी दिन के आने से पिछली यादें आ जाती हैं तो इसलिए सारा साल तो करते नहीं। अल्लाह ताला मुझे और आपको अहले बैत की ग़ुलामी नसीब फरमाए।